अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे बीफ हार्ट रेसिपी। तो उसके लिए ना सबसे पहले ऑयल लिए हम। ऑयल लेने के बाद उसमें लौंग, दालचीनी, इलायची और बे लीफ्स लेकर डाल दिए। उसके बाद से एक 200 to 300 ग्राम्स ऑफ ऑनियन चॉप्ड डाल के उसको अच्छे से पका रहे तेल में। उसके बाद यहाँ पे बीफ का हार्ट है ना, वो अच्छे से धोकर साइड में रख दिए। देखो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ऑनियन पिंकिश कलर आने के बाद में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से ऐड कर लेना। उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट सॉल्ट ऐड कर लेना है, थोड़ा सा हल्दी ऐड करना, हल्दी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हार्ट में भी थोड़ा अदरक लहसुन डाल रहे हैं हम, डाल के उसके साथ थोड़ा सा सॉल्ट। ये ना अच्छे से मतलब पीसेस को पीसेस में अब्सॉर्ब हो जाता है ये सॉल्ट, तो अच्छा रहता है इससे टेस्ट। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अभी इस टमाटोज को ना प्यूरी बनाएंगे ग्राइंड करके। देखो इस तरह, ये जो ढक्कन में जो काला काला है ना, ये कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने गरम मसाला पीस कर रखी थी, वही है। अब इस प्यूरी को ना हम इसमें ऐड कर प्यूरी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिर्ची का पाउडर अपने हिसाब से डालिए और अच्छे से मिक्स कर लेके अब इसमें ना हम जो हार्ट डाल देंगे, हम हार्ट डालिए। हार्ट डालने के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, एक दो मिनट इसको अच्छे से भून लेंगे किसी ग्रेवी में। भूनने के बाद प्रोसेस क्या है मैं बोलूँगी आप लोग को। अब यहाँ पे ना हम कस्तूरी मेथी, धनिया पत्ता और हरी मिर्ची डाल दिए। डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसी स्टेज में ना टेस्ट, नमक का टेस्ट देख सकते हैं और चिल्ली का भी टेस्ट देख सकते हैं, जैसे मिर्ची आपने हिसाब से और नमक अपने हिसाब से ऐड कीजिए। ज़्यादा मत डालना, अपने अकॉर्डिंग डालना है, ज़्यादा डालने से कोई फ़ायदा नहीं, बेकार हो जाएगी सब्ज़ी पूरी। और देखो यहाँ पे हम दही ऐड करें और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिए। अब इसको ना कुकर का ढक्कन लगा दे के 3 से 4 सीटी तक पकने देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। ये देखिए हम कुकर का ढक्कन लगा दिए और फ्लेम ना मीडियम फ्लेम पे रख दिए। ये देखो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे बीफ का हार्ट की रेसिपी बन गई। देखो यहाँ पे सब्जी बन गई, बट इसमें हम ना सिर्फ खड़े मसाले डाले, गरम मसाला और धनिया पाउडर कुछ भी नहीं डाले, वो आप डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए मसाला डाल दिए, इसको ना 2 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद से आप लोग गरम गरम रोटी, नान और चावल के साथ खा सकते हैं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चाहे तो शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, फिर मिलेंगे।